ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में भारी उछाल आने से पूरे व्यापार मंडल में हड़कंप मच गया, जिसके चलते उन्होंने मौजूदा सरकार को ये फीस ना देने का फैसला लिया और अपनी आर्थिक मंदी की दुहाई भी दी। इस विषय पे फास्ट वे ने जब विधायक अमित विज से टेलीफोनिक टॉक की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में नगर निगम के कमिश्नर से बात करके व्यापारियों के पक्ष में हल निकालेंगे और उन्हें राहत देंगे। सुनते हैं हमारे साथ विधायक अमित विज की बात। अमित जी, अनिल खुराना बोल रहा हूँ फास्ट वे न्यूज पठानकोट से। सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ाई गई है 300 से 5000 रुपए तक कर दी गई है, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, मैं मुझे पता चला, मैं अभी बात करके डिपार्टमेंट से आई विल गेट बैक टू यू। आई डोंट मुझे एग्जैक्टली कारण नहीं है, बड़ी है, कब से लागू होनी, क्या है क्या नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैं कमिश्नर से बात करके मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी बात, जनरेटर लाइसेंस फी लगाई गई है जो आज तक नहीं लगी। ये दोनों जो फीस लगी है, पीछे कोई और भी लगी थी हमारे मंडी में, वो भी मैंने सीएम साहब को लिखकर भेज दिया था। तो मैं ये इसको समझ के करके हम बिजनेस को जिस तरीके से बेटर सपोर्ट कर सकते हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे भी। ठीक है। और तीसरी बात, ये जो डलहौजी रोड पे स्लिप वे जो पुराना बनाया गया था, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हुआ था और सड़क सारी टूटी हुई थी, तो उसके बारे में अब क्या करवाने जा रहे हैं जी? मैं अभी मीटिंग करके हटाऊंगी, अभी वहाँ बीसी पड़ गई है, आपने देखा होगा रोड बन गई है जी। अब जो बगल में स्लिप वे में दोबारा से वो टाइल्स लगनी है दोबारा से। ओके। अब बीच में क्या था कि जो बन्नी बनाई हुई थी, वो बन्नी का क्या होता है कि गंदगी वहीं फंस जाती है, रेडी है, वो पीछे लगती थी, वो आगे सिर्फ पार्किंग बन गई थी, तो पीछे एसएसपी साहब ने डिसीजन लेकर उसको खाली भी कराया। इधर ही हमारी सारी सिटी की कंजेशन रहती है जी। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो स्लिप रोड थी पूरी नहीं बना रहे, मैंने पीछे विजिट भी किया था जी, हम उसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं। गुड। और अब वो बन्नी नहीं बना रहे जिसमें वो गंदगी रहती है, साफ नहीं होती है। हम ब्लिंकिंग लाइट्स के साथ, सुंदर लाइट्स के साथ पोल्स लगा रहे हैं। सोलर पोल्स हैं जिसमें रात को लाइट्स ब्लिंक करेंगी ताकि कोई गाड़ी आकर उसके साथ लग ना जाए। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।